हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर, हमने जो स्कोर अटेम्प्ट किया हुआ है आंसर की के बाद, क्या हम उस स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, रिजल्ट कब आएगा? तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है देखने को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या कितना क्या कट ऑफ रह सकता है और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी एएलपी की और टेक्नीशियन रेलवे के जितने भी एग्जाम उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए अभी से आपको कमाए हैं उनको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और अगर वो अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वैकेंसी का वेट करते रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इस बार जो साइंस का जो लेवल रहा है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान रहे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी और हर टॉपिक की क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार हो जाए और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, सभी कैटेगरी की बात करेंगे, सभी फेज की बात करेंगे, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री और फेज फोर का क्या रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा मैंने लिखा हुआ है, अटेंडेंस कितनी है, एवरेज अटेम्प्ट कितना किया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम सेंटर पर जाकर लगातार एवरीडे एनालिसिस किया और उसके बाद ही ये पूरा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ था एग्जाम सेंटर पर जाकर। वहीं से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और इस कट ऑफ के बेसिस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चूंकि आप जानते ही होंगे कि आपका परसेंटाइल मेथड के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है, तो यहां पर नॉमिनेशन नहीं होना है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये परेशान है कि जब हम लोगों ने फेज वन का एनालिसिस किया हुआ था तो फेज वन के अभ्यर्थियों बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता था। तो जब किसी को एग्जाम का पैटर्न नहीं पता रहता है तो उनके लिए एग्जाम को फाइट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको समझ नहीं पाते हैं कि एग्जाम किस तरह से रूप बदल सकता है, किस तरह का पैटर्न वो दे सकता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कोई जानकारी नहीं रहती है। बट जिन अभ्यर्थियों ने फेज टू में, फेज थ्री में, फेज फोर में एग्जाम दिया है, उनके लिए थोड़ा सा एक अंदाज मिल जाता है कि हाँ भाई, कि अब एग्जाम ये पैटर्न दिखा रहा है, हर शिफ्ट का जे एनालिसिस करने के बाद हमको पता चल रहा है कि हाँ इस तरह का एग्जाम आ रहा है, तो उससे उनको एक अंदाज मिलकर वो क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट कर जाते। तो फेज वन वाला यहां पर ये सोचता है बंदा कि भाई उसने एग्जाम का पैटर्न देख लिया है, अब उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, हमारा नुकसान आ जाएगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि इस बार रेलवे ने बिल्कुल सिमिलरिटी दी है, क्योंकि फेज वाइज वो कट ऑफ जारी करेगा, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। फेज वन वाला फेज वन के लड़कों से कंपटीशन करेगा, फेज टू वाला फेज टू के कंपटीशन करेगा, तो इस तरह से फेज वाइज कंपटीशन है, फेज का फेज से कोई कंपटीशन नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ये डिपेंड करना है कि आपने अपना कितना स्कोर किया है, आपको उन्हीं फेज के लड़कों से क्या है कंपटीशन। आइए थोड़ा सा समझते हैं फेज वन की अगर हम बात करें कि 40% अटेंडेंस रहा है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि रेलवे का एग्जाम काफी टाइम बाद हुआ, तो इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं और सेटल हो गए थे, कहीं पुरानी जो वैकेंसीज थी उनमें सेटल हो गए थे, तो उस वजह से इतना एग्जाम का क्रेज नहीं रहा, फिर भी आए हैं, लेकिन हम मान के चले तो 40% अटेंडेंस रही है अभ्यर्थियों की। ठीक है, और अगर हम देखा जाए कि एवरेज अटेम्प्ट कितना किया है अभ्यर्थियों ने, तो मोस्टली एवरेज अटेम्प्ट आप अपने दिल से सोच के बता देना भाई, जो मैंने यहाँ लिखा है ना वही अटेम्प्ट है, क्योंकि मैं तो रेगुलर एग्जाम सेंटर पर जाकर आप लोगों के सहायता में लगा हुआ था, वहीं से मेरे को पता चल रहा था जो 80 बोल रहा है, 85 बोल रहा है, उनके बोलने से क्या होता है, आंसर किया गया देख लो उनका कितना रहा स्कोर। ठीक है ना, और अभी बहुत सारे मैंने पोल्स भी कराए, उनको अगर आप देखोगे तो उनसे आप पता लगा लो कितना क्या स्कोर रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एवरेज अटेम्प्ट रहा है 57 से 65 क्वेश्चन, इससे ज्यादा अगर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, वही 70 के आसपास पहुंच पाया होगा, लेकिन एवरेज जो अटेम्प्ट है हर अभ्यर्थी का वो 57 से 65 के बीच में ही रह रहा है, और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स का तो इससे भी कम रह रहा है। ठीक है ना, ओके जी। अब अगर हम फेज टू की बात करें तो फेज टू में 40 से 45% थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब अटेंडेंस ज्यादा हो गई थोड़ी सी, तो यहां पर भी अटेम्प्ट देखा जाए, एनालिसिस देख लिया तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है ना, आपने क्वेश्चन का पता लगा लिया, पैटर्न का पता लगा लिया, तो हर बंदा थोड़ी ना कि उसको पढ़ के चला जाएगा, कुछ तो ऐसी तुक्के मारने भी आ रहे हैं, कई लोग पढ़ के आ रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं कि भैया हमने देख लिया तो हमको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और कई दिक्कतें आती है, क्योंकि एग्जाम का लेवल जब मॉडरेट टू हार्ड होता है या मॉडरेट होता है, तो इसमें एग्जाम जैसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में काफी ज्यादा मतलब कह सकते हो कि टाइम टेकिंग था, मैथ के कई क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, उस वजह से आते हुए भी क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे, ये एक प्रॉब्लम वहां पर फेस हमको करने को मिल रहा था। और साइंस के काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज्यादा, तो साइंस ने सबसे ज्यादा आदमी लड़कों का दिमाग खराब किया है, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साइंस अच्छा करिए, और साइंस अच्छा करना है तो इस चैनल से जुड़िए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरा साइंस आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो इसका जो रहा है एवरेज अटेम्प्ट 59 से लेकर 63 के क्वेश्चन के बीच रहा है। फेज थ्री की बात की जाए तो 45% से 50% अटेंडेंस, और एवरेज अटेम्प्ट की अगर बात करें 64 से 68 क्वेश्चन, और फेज फोर की बात करें तो 40 से 45%, और एवरेज अटेम्प्ट की बात करें 63 से 66 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल आपका अटेम्प्ट रहा है, आप खुद देख सकते हैं आंसर की आ चुकी है, उसके बाद भी आपने देख ही लिया होगा कितना क्या रहेगा। तो आपका आंसर की आपका क्या कट ऑफ रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं हर कैटेगरी का, तो जरा देख लीजिएगा। देखिए सबसे, और पूरे फेज की बात कर रहा हूं, हर फेज की बात कर रहा हूं, तो अगर हम बात करें जनरल की, जनरल की हम बात करें तो जनरल का जो रहेगा वो 57 से लेकर 67 से लेकर 62 के बीच में,
ठीक है, 57 से लेकर 62 के बीच में, और इसमें भी आपको प्लस माइनस 2 करना है अपने जून के हिसाब से, ठीक है। और इसमें फेज वन फेज टू सब इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फेज वन की कम रहेगी कट ऑफ, क्योंकि उतना ज्यादा उस समय अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 56 से लेकर 59 के बीच में फेज वन फेज टू सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 54 से लेकर 57 के बीच में रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें एससी की बात करें तो एससी का रहेगा 53 से लेकर 55 के बीच में, और अगर हम एसटी की बात करें तो 50 से रहेगा 51 के बीच में, और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो नॉर्मली इनका कमी रहता है, आप 30 से 35 मान सकते हो, तो 40 प्लस में अप्रोक्स मान के चलता हूं, लेकिन 35 से 40 के बीच में, ठीक है। और अपेंडिक्स और पीएच की बात करें तो पीएच का रहेगा 45 प्लस, ठीक है, और अपेंडिक्स वाले की बात करें तो 35 के आसपास उनका रहेगा। तो ये आपका कट ऑफ का लेवल रहेगा जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ओके। और जिनके मार्क्स कम है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि वो अपनी तैयारी अभी से करें, और अभी से आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो ही सफलता हासिल कर पाएंगे। प्रॉब्लम यही होती है कि इंडिया में स्टूडेंट्स की नौकरी की आवश्यकता है लेकिन पढ़ना नहीं है, पढ़ना है तो भी नौकरी मिलेगी, और पढ़ने के लिए क्या करना, नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। साइंस वीक है तो साइंस को अभी से पढ़िए, मैथ वीक है तो मैथ को अभी से पढ़िए, जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्टार्टिंग से ही आप क्या करिए स्ट्रॉन्ग बना के चलिए, तो सिलेक्शन ले पाओगे। और अगर आप टाइम का इंतजार करोगे वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो भाई फिजिकल की तैयारी कर रहे हो करते रहो, लेकिन पढ़ने में क्या बुराई है, नॉलेज तो बिल्डअप हो रहा है, उससे हमारा फायदा आगे जाके कोई भी एग्जाम को आप पढ़ा सकते हो। तैयारी हमेशा रेगुलरली बनी रहनी चाहिए, एकदम से तैयारी करते तो दिक्कत आती है, बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, और हर एक कंसेप्ट हम छोड़ देते हैं, रेगुलरली छोड़ देते तो भूल जाते हैं, और चीज़ों को समझना और उनको तरीके से बेस को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, फिर हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, एबीसीडी फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है, और अपनी फिजिकल की तैयारी के साथ साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलती है किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।